Smile in the morning. Smile in the morning. Counting my blessings. Counting my blessings. I was born with nothing. I was born with nothing. Allah gave me everything. Allah gave me everything. Assalamu alaikum viewers. Umeed hai aap sab khairiyat se honge. आज की वीडियो में हम लोग जा रहे हैं कनराज रोड। ये विंदर शहर से कुछ फासले पे वाक़े है और एक इंतहाई खूबसूरत जगह है। यहाँ पे कई वाटर स्पॉट्स और कैंपिंग के स्पॉट्स हैं। उन्हीं में से एक कैंपिंग स्पॉट हमने अपना मकसूद किया और हम लोग अक्सर यहाँ पे जाते हैं। आज भी हमारी कैंपिंग रात की वहीं पर है। हम तीन लोग बाइक पे और दो लोग हमारे साथ गाड़ी पे मौजूद। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। इंतहाई सुकून वाली वीडियो है और इसमें कुछ कैंपिंग के, सर्वाइवल के, बुशक्राफ्ट की ट्रिक्स भी मैंने सिखाई हैं। आई होप आप लोग कभी इस नीयत से कैंपिंग करने जाएं और ये ट्रिक्स आपके काम है। एंजॉय करें वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्योर भाई, तो हम पहुँच गए हैं मेन स्पॉट पे और ये मैंने थोड़ी देर के लिए बाइक की लाइट्स खुली छोड़ी हैं। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वैसे बता देता हूँ। ये एक जो हिस्सा नज़र आ रहा है ना, सिर्फ ये ड्राई है। ये इधर भी पानी है, उधर भी पानी है, तो ये ड्राई स्पॉट है। यहाँ पे हम कैंप साइट बना रहे हैं और हम तीन लोग बाइक्स पे थे और वो दो लोग हमारे साथ गाड़ी पे, वो यहाँ पर आ रहे हैं। अभी अब हम फ्लैट लकड़ी ढूंढने के लिए जा रहे हैं और हमें फ्लैट पत्थर चाहिए ताकि हम अपने फायर प्लेस की जो है ना वो चारदीवारी बना सकें। चलो मैं कुल्हाड़ा लेके निकला हूँ और दो चीज़ें ढूंढना है हमने। वो बेसिक ड्राई वुड ढूंढना है जिसको हम बिल्डअप कर सकें फायर, फ्लिंट, फ्लिंट के बाद कॉटन, कॉटन के बाद छोटी लकड़ी और फिर बड़ी वाली लकड़ी। जैकपॉट, छोटा स्पून है। किस तरह के काम के लिए बताएं? दही के दो चम्मच मैंने इस पे। ओ वाह, डिलीवरी चार्जेस कब है? पहला तजुर्बा है, लेट्स सी। यार ये चीटिंग है यार, मैंने कहा था पहले मुझे दिखाना है। दिस शिट टू एक्चुअली वर्क्स। वो मैं देख के हंस रहा हूं। थर्ड चीज है ना, चीज है यार। हु नीड्स मैच स्टिक? आग दिया आ गया कैमरे में। वो प्रोग्राम चल रहा है, बेयर ग्रिल्स वाला वही चल रहा है। नहीं नहीं, वैसे चल रहा है कि नहीं? पर यार मैं इधर ही बैठ के वाला कैमरा उधर है ना, उसके बड़े फिट फिट वो हैं। क्या उसने उस पे नेटफ्लिक्स पे बनाया है? यू वर्सेस वाइल्ड, पहले होता था ना मैन वर्सेस वाइल्ड, मैन वर्सेस वाइल्ड होता था। अबे यू वर्सेस वाइल्ड उसमें इंटरैक्टिव है, यानी आप ये कैंपिंग का सिस्टम बारबेक्यू करना, वो पंखा ही साथ में रखा, कोई लोगों तो ऐसे करता हूं ये सही करता फाड़ कता फाड़ ले भाई भाई कता बना। एक्स्ट्रा सीख के पड़ी है, सीखों का चॉपस्टिक बना के कर दो। एक्स्ट्रा पड़ी नहीं है? नहीं नहीं, यही लगी हुई सीख से ज़्यादा करीब लगा ली जगह बैठक था, सुकून हो गया, कीड़े नहीं आ रहे। ये सही है, ये एक लेना चाहिए घर के। अजान दे रहा हूँ मैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
अकबर। तो भाई बहुत मजे की रात रही, कैंप फायर भी जबरदस्त, कोयला अंगारा अंदर जमा हुआ है। सुबह से नाश्ता बनाते हैं, मोबाइल को टाइम लैप्स लगाने पे छोड़ दिए क्योंकि वहाँ से सनराइज होने वाला है। ये रहा मेरा कैंप, ये मैं रात से मैट डाल के यहाँ पे लेट गया, सो रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, नैप लेके मिलते हैं आप लोगों से। ये एक ज़बरदस्त ट्रैवल गैजेट है और मैं कोशिश करूँगा कि मुझे इसका लिंक मिल जाए, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। काफ़ी सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, एक बॉटल है जिसमें आप इनिशियल पानी को भर सकते हैं और अगर जगह गंदी हो या ज़रात वाला मिट्टी वाला पानी हो तो उस बॉटल के आगे ये लगा के इससे भी पानी को भर सकते हैं, फ़िल्टर हो जाएगा वो। उसके बाद है इसका मेन फ़िल्टर, मेन फिल्टर पे डायरेक्शन बताई हुई है इन्होंने कि यहाँ से इन, यहाँ से आउट है, इससे डायरेक्टली भी पी सकते हैं। और अभी जैसे कि मैं करूँगा कि मैं इस बॉटल को भर के इसके अंदर पानी के आगे ये लगा के और फिर इससे अपनी बॉटल भर लूँगा साफ़ पानी की। तो लेट्स ट्राई दिस, मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, इसका एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, इसीलिए आज इतने एतमाद से जो है ना मैं ये लेकर आ गया था, बगैर पीने का पानी नहीं लाया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पीने का पानी लाया हूँ बैकअप पे, एक बॉटल मैंने बैग में रखी है क्योंकि मेरे साथ और लोग भी हैं, तो हर किसी का वो नहीं होता टेम्परमेंट और हर कोई इतना तजुर्बा भी नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं एहतियातन एक बॉटल ले आया था, लेकिन मेरे बाप को नहीं पता है कि मेरे पास वो है, खुदा नखास्ता कभी किसी की तबीयत ख़राब होती है, कुछ होता है, तो इस वजह से वो अंदर रखी हुई है मेरे पास। दिखा दें इसके आगे सिलिकॉन का हेड दिया होगा, ये इधर लग गया। आप इस बॉटल को कहीं से भी हैंग कर सकते हैं और फिर इसके साथ यहाँ से हम साफ पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी स्लो आ रहा है क्योंकि ये फिल्टर होकर यहाँ पे आ रहा है। इस फिल्टर की कैपेसिटी है 8000 लीटर, तो 8000 लीटर के बाद ये फ़िल्टर जो है ना वो कारामद नहीं रहेगा। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है पानी, मैं भी दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर है, कोई ज़रात वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है पानी में। अरे ना दिख रहा है या नहीं, बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा पानी इस व्यू के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह
लास्ट टाइम तो भाई हमने इधर बाइक में दौड़ाई थी पानी के अंदर गर्मी से हालत टाइट हो गई मेरी नाश्ता बनाते बनाते गर्मी ये मैं लेके जा रहा हूँ पराठा है खुद बनाया हुआ उसके ऊपर अंडा है हाफ फ्राई है उसके ऊपर चपली कबाब है उसके ऊपर शामी कबाब है मैं ढूंढ रहा हूँ पानी का कोई अच्छा स्पॉट वहाँ पे पानी में सुकून से बैठ के इसको खाऊंगा और चाय पीछे कैंप साइट पर बन रही है नहा के नाश्ता करके फिर निकलने की करते हैं वापस पानी गर्म हो रहा है हाँ जमीन से हीट है मुनासिब है यार कबाब है कबाब सही है कबाब बेहतरीन बना भी सही है नॉन स्टिक में बनाया ना उसकी कोटिंग सही रही है हद तो ये पराठा भी सही बना है वरना आम में बनाए ना तो इसकी एक लेयर होती कोटिंग की ना वो कबाब भी बन जाती है अंदर का मटेरियल अजीब सा हो जाता है हाँ GoPro हीट अप होके कुछ हो गया आई गेस बंद हुआ ख़राब हुआ जो भी हुआ है तो अब जो है मैं मोबाइल से शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ उसमें ऐड करने के लिए नाश्ता कर लिया है नहा लिया है अब कैंप साइट की आग को ख़त्म कर रहा हूँ जो कि जानवरों के लिए हैज़र्ड होता है कैंपिंग के दौरान ब्रश करने का क्या तरीका है मिसवाक आपके पास होना चाहिए किसी भी ज़िंदा दरख्त को लें और कोल का पीस लें बहुत ही गर्म हो रहे हैं इसको पेस्ट बनाएं चाहिए होगा अच्छा ये देख के शायद लोगों को घिन आए लेकिन एक्टिव चारकोल के नाम पे कोई भी बेच दे तो यही होता है वो इसको ले जाके गर्म हो रहा है इसको मैं धो लेता हूँ ये टूथपेस्ट बन गया देखने का दिल ही नहीं है।
दिस इज एक्टिवेटेड या एक्टिव चारकोल जो भी कहते हैं लोग इसको, लेकिन ये होता है। तो अगर आप विल्डरनेस में हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, तो दिस इज अनदर सर्वाइवल स्किल। किसी जिंदा दरख्त की टहनी लें, उसकी मिसवाक बनाएं और जो आपने कैंप फायर की थी उसके कोल को चूरा करके एक्टिवेटेड चारकोल बना के टूथपेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करें। इस आखिरी चीज़ के साथ अब हम निकलते हैं, पैकअप करें, कैंप साइट लपेट रहे हैं और फिर यहाँ से निकलने की करते हैं। नाइस। ठीक है हमजा भाई, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं पसंद आई है तो अगली वीडियो का इंतजार करें, हो सकता है वो पसंद आ जाए। अपना ख्याल रखें, घूमते रहें, अपने मुल्क को एक्सप्लोर करें, नेचर की और घूमने फिरने की जगहों को बर्बाद ना करें, उनका ख्याल रखें, अपने मुल्क को अपना समझें। अल्लाह हाफिज़।